अमीषा जी गदर 2 आने वाली है, हमें पता है आप काफ़ी एक्साइटेड है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आपने रखी है गदर 2 का, किस तरह की तैयारी शुरू हुआ है गदर 2 के लिए और कब तक गदर 2 रिलीज होने वाली है? वेल गदर 2 अगले साल के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 3-4 मंथ्स में रिलीज़ होगी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट फिल्म, आइकॉनिक फिल्म को एक पार्ट 2 मिल रहा है तो खुशी के अलावा और क्या कह सकती हूँ मैं। जैसे यू नो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आइकॉनिक फिल्म्स बहुत कम बनते हैं, इन अ डेकेड मे बी वंस इफ यू आर लकी, और एक हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है आर्टिस्ट के लिए, लेकिन एक पार्ट 2 बनना ये हिंदुस्तान के किसी आइकॉनिक फिल्म के साथ नहीं हुआ है, हॉलीवुड में भी नहीं हुआ था, सिर्फ अभी जाके टॉम क्रूज की मैवरिक टॉप गन को पार्ट 2 मिली, जहां उन्होंने सेम कैरेक्टर्स को लेके स्टोरी फॉरवर्ड की है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 काफ़ी फिल्मों के मिलते हैं, लेकिन सेम फैमिलीज को लेके, सेम कैरेक्टर्स को लेके, सेम पल्स को लेके कहीं कहानियाँ आगे नहीं बढ़ती। आप हाउसफुल वगैरह जैसे फिल्में देखो तो वो बनती रहती है, लेकिन जैसे हालांकि में रिलीज़ हुई भूल भुलैया, स्टार का स्टोरी हर चीज़ चेंज हो गई थी, लेकिन एक ऐतिहासिक स्टुपेंडस आइकॉनिक हिट को लेके, एक तो दोनों पार्ट का हिस्सा बनके सेम किरदार निभाना, सकीना का किरदार, तारा सिंह का किरदार, जो हर हिंदुस्तानी के मन में एक जगह बना चुकी है, ये मैं खुशनसीबी समझती हूँ कि मुझे मौका दोबारा मिला है। और ये कहानी एक इंडिया पाकिस्तान को लेके फिर से पीरियड बैकड्रॉप है, बेस्ड इन 1971, और वही खूबसूरत मोमेंट्स जो गदर 1 में थे, गाने, एक्शन, डायलॉग्स, हर चीज़ जिसने गदर 1 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट बनाई थी, गदर 2 को हम वही इमोशन लेके आगे बढ़ा रहे। तो हाँ, मैं जानती हूँ कि ऑडियंस भी उत्साह से ठहर रही है और हमने भी पूरी मेहनत की है, तो आई होप कि ऑडियंस हमें और उतना ही प्यार दे और भगवान उतना ही आशीर्वाद दे, बस यही हम चाह सकते हैं। अमीषा जी, अमरीश पुरी के कैरेक्टर को कितना मिस करेंगी आप और जो है मतलब उनके कैरेक्टर है, कौन है जो उनकी कमी पूरी कर रहा है? वेल मैं सकीना हूँ, सकीना अमरीश पुरी जी की बेटी थी, तो हालांकि मैंने उनको बहुत मिस किया, हम सबने सेट पे उनको बहुत बहुत मिस किया। उनकी थोड़ी सी झलक तो है फिल्म में, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, लेकिन ये उनके इमोशन को लेके कहानी आगे बढ़ती है, तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि अमरीश पुरी जी इमोशनली मिसिंग है आपके लिए फिल्म में। फिज़िकली तो अनफॉर्चुनेटली हम ला नहीं सकते क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं। सिमिलरली जो विवेक श्रॉक थे, जिन्होंने दरमियान सिंह का रोल किया था, जिन्होंने लोगों ने इतना प्यार दिया, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने बहुत मिस किया सेट पे, दे वर वाइटल कैरेक्टर्स और फिल्म को बहुत ऐड किया था, पर आई होप कि जो भी उनकी जगह में आ रहे हैं वो ऑडियंस को उतना ही अच्छे से खींच ले अपनी तरफ और ऑडियंस उतना ही प्यार दे उनको। ऑडियंस की बात की जाए तो मतलब जब गदर 1 बनी थी और गदर 2 में काफ़ी डिफरेंसेस आ गया, कितने साल पुरानी बात हो गई है और मतलब कोविड के बाद ऑडियंस का टेस्ट भी चेंज हो गया जी, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मतलब कि लोग जो है रीमेक नहीं, स्टोरी फॉरवर्ड, रीमेक उसे बोलते कि जो फिर से बनाए जाए जी, जहाँ भी मैं जा रही हूँ मुझे महसूस तो यही हो रहा है, बाकी भगवान की दुआ और ऑडियंस का प्यार, यू कैन ओनली विश फॉर द बेस्ट। इसके अलावा हम बात करें तो समय है, समय काफ़ी बदला है, OTT के तरफ लोगों का रूप बदला है, तो क्या ये मूवी भी OTT होगी या सिनेमा में आएगी? देखो, कहीं कहीं फिल्म होते हैं जो OTT पे आके आप देख के पसंद करना चाहोगे, और कोई कई फिल्में ऐसी होती है जो 70mm एक्सपीरियंस के लिए ही बनी जाती है। यस, सेकंड व्यूइंग, थर्ड व्यूइंग अगर आपको करनी हो तो OTT इज़ देन ओके, बट अगर उनमें से एक ऐसी फिल्म है दैट इज़ मेड फॉर 70mm एंड ओनली रिलीज ऑन 70mm फर्स्ट। अमीषा जी,